नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्जियों के खेती के बारे में। अक्टूबर का महीना लास्ट होने वाला है और नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है। अगर आप यूपी और बिहार वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इस सीजन में अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो आप बिल्कुल मालामाल हो सकते हैं। अगर आपके पास ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपके पास जमीन ज़्यादा है कम है, जो भी है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 5 ऐसी सब्जियों की खेती करनी है जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। और ये सब्जियां इस टाइम में खास करके यूपी बिहार वाले क्षेत्र में बेहद ही आसानी से हो जाता है, यानी तैयार हो जाता है और अच्छा खासा रेट भी मिलता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है धनिया। आप धनिया की खेती करें क्योंकि इस सीजन में धनिया अच्छे तरीके से ग्रो भी होता है और अच्छे तरीके से इसकी मार्केटिंग भी आसानी से हो जाती है। दूसरी फसल की अगर हम बात करें तो वो है पालक। अगर आप पालक की खेती करते हैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से आप पैसा छाप सकते हैं। कह सकते हैं कि एकदम पैसे छापने की अगर मशीन कहा जाए पालक को तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप पालक की खेती जब करते हैं या पालक के बीज को जब खेतों पर बोते हैं तो ये बीज बहुत ही कम टाइम में तैयार होता है और वो आप और इसको आप 3 से 4 बार कटाई करके भी बेच सकते हैं। की बात किया जाए तो वो है फूल गोभी, बंधा गोभी। ये सब्जियां भी काफी मार्केट में चलता है और इसकी तो डिमांड आप जानते हैं। आलू गोभी, आलू भरता, बहुत सारी सब्जियां आलू गोभी के साथ बनाई जाती है, गोभी के साथ बनाई जाती है, फूल गोभी के साथ बनाई जाती है, बंधा गोभी के साथ बनाई जाती है और इसके कई सारे विदेशी नस्ल भी अवेलेबल हैं। तो आप जो भी आपको पसंद है उस सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं, यानी या बंधा गोभी की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। है किसान भाइयों बैगन। बैगन की खेती भी आपको बिल्कुल माला माल कर सकता है और आपको काफ़ी कम टाइम में भी अच्छा खासा पैसा दे सकता है। और इस टाइम में खास बात यह है कि भैया इस टाइम में अगर आप कोई भी इस तरह की सब्जियां लगाते हैं तो आपको इस सब्जियों की देख रेख कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो सिंचाई भी बहुत कम करना है। और इस सीजन में यूपी बिहार में खास करके बीमारियाँ भी सब्जियों में ना के बराबर लगता है, तो आपको ज्यादा मिल सकता है। बस बड़े स्तर पर आप खेती करते हैं और बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको लगाना होगा आलू। आलू भी यूपी बिहार में काफी अच्छे तरीके से ग्रो करता है और इसकी डिमांड हर जगह होती है। आलू के साथ कितनी सारी सब्जियां बनाई जाती है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। कमेंट करके बताएं कि इन 5 सब्जियों में कौन सी सब्जियां आप अपने खेत में लगाने वाले हैं और इसकी खेती कैसे की जाती है। अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।